जय हिंद दोस्तों। कई राज्यों में भूतपूर्व सैनिक, जेसीओ, ओआर और ऑफिसर के लिए वैकेंसियां निकली हुई हैं। ये वैकेंसियां ऑल इंडिया के स्टेटों में निकली हुई हैं, तो एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता दें कि इसमें जेसीओ और ओआर, एक्स सर्विसमैन और वीर नारी तथा उनके डिपेंडेंट के लिए भी वैकेंसियां हैं। प्राइवेट जॉब रहेगी, और बता दें कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी ऑल इंडिया में अलग अलग रहेगा। शौर्य ऑफिसर, जेडी इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जो भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में आपको नॉलेज होनी चाहिए बातचीत करने की, हिंदी या इंग्लिश। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सन के फैमिली मेंबर, उनके लिए वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है और वीर नारी के लिए वैकेंसी है। इसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, चाहे हिंदी में कर लेते हो या इंग्लिश में कर लेते हो। टोटल वैकेंसी 134 है ऑल इंडिया की। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया सारे वैकेंसी में अलग अलग दिखाऊंगा कितनी कहाँ की वैकेंसी है। तो बता दें कि 10th पास सभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिफेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो भी सेना में मिलती है वो भी इसके लिए वैलिड है। 10th पास हो तब भी चलेगा, और या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तब भी चलेगा। बता दें 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 55 साल एज होनी चाहिए, इसके बीच की एज होनी चाहिए। और सैलरी भी इसमें बता दें, सैलरी भी काफ़ी मिलेगी। दिल्ली और NCR में जॉब लोकेशन जो रहेगा उसमें जो मिलेगी 2,75,000 रुपये पर ईयर सालाना। इसके बाद A+ सिटी जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में 2,25,000 सैलरी पर सालाना मिलेगी। और सिटी, कर्नाटक की सिटी में 2,25,000 सालाना सैलरी है। और बी और सी सिटी जो रहेंगी वो 1,85,000 रुपये सालाना सैलरी मिलेगी। इसके साथ में प्रोविडेंट फंड और कई तरह की टर्म्स इंश्योरेंस आपको इसमें किया जाएंगे। बता दें अदर बेनिफिट भी लागू होंगे जो कि मिलते हैं इसमें। अभी ये जो इसमें काम जो रहेगा, कंटोनमेंट एरिया में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से है, तो आपको कंटेनमेंट एरिया में आपको इसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी एडवाइजर के रूप में काम करना होगा। लाइफ इंश्योरेंस का काम है, और बता दें कि इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, आपको कैसे फॉर्म भरना वो भी बताएंगे। इसमें एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अप्लाई करने का बताएंगे। सबसे पहले तो वैकेंसी अलग अलग दी हुई है। इंश्योरेंस सेल की वैकेंसी है, जो 10th पास चाहिए और 55 साल एज होनी चाहिए। इसके लिए फैमिली मेंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन वीर नारी भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी जो है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 10th पास और 55 साल एज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बीमा कोई ऐसा एडवाइजरी देंगे तो हल्का फुल्का आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। बाकी इनमें 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो सारा चीज बता देते हैं जो आपको समझाना है, किसी को बताना है। इसके बाद अभी इसमें बता देते हैं, जो वैकेंसी है वो दिखा देते हैं। वैकेंसी डिटेल ऑल इंडिया की है। नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसियां है, आसाम दीमापुर की वैकेंसी है एक वैकेंसी, गुवाहाटी में 6 वैकेंसी है, आसाम तेजपुर में 2 वैकेंसी है। इसके बाद आसाम तिनसुकिया में 10 वैकेंसियां है, मणिपुर इम्फाल में 7 वैकेंसी है, मेघालय में 4 वैकेंसी, शिलोंग में और दूसरी 2 वैकेंसी है। इसके बाद त्रिपुरा अगरतला में 1 वैकेंसी। टोटल नॉर्थ ईस्ट में 33 वैकेंसियां हैं। ये सभी वैकेंसी फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद बता दें कि वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट की हो गई। इसके बाद नॉर्थ रीजन की वैकेंसी, चंडीगढ़ की 7 वैकेंसी है, एक कैटेगरी की सिटी है। दिल्ली NCR की 5 वैकेंसियां है, और दिल्ली NCR की दूसरी गाजियाबाद साइड की 2 वैकेंसी है। इसके बाद गुड़गांव साइड की 7 वैकेंसी है। इसके बाद हिसार की बी कैटेगरी की सिटी रहेगी, जो कि 7 वैकेंसी है। सोनीपत की सी कैटेगरी की सिटी है, 2 वैकेंसियां है। इसके बाद धर्मशाला में 6 वैकेंसियां है। इसके बाद शिमला में 8 वैकेंसी है, जम्मू में, J&K में 1 वैकेंसी। तो हिमाचल प्रदेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, J&K भी अप्लाई कर सकते हैं। राजौरी में 1 वैकेंसी, जम्मू और राजौरी में
इसके बाद श्रीनगर में 4 वैकेंसी हैं और जम्मू उधमपुर में 9 वैकेंसियां हैं। तो जेएनके के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बता दें कि ले की 11 वैकेंसी हैं, ले के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जरूर अप्लाई करें और बढ़िया सैलरी इसमें है। इसमें बता दें पंजाब में अमृतसर में 5 वैकेंसी हैं, भटिंडा में 2 वैकेंसी हैं, फिरोजपुर में 1 वैकेंसी है, पटियाला में 1 वैकेंसी है। इसके बाद राजस्थान अजमेर में 1 वैकेंसी है, अलवर में 2 वैकेंसी है और बीकानेर में 3 वैकेंसी है। इसके बाद सबसे ज्यादा जयपुर में वैकेंसी 10 है, कोटा में 2 वैकेंसी है, श्री गंगानगर में 5 वैकेंसी है। इस हिसाब से 101 वैकेंसी नॉर्थ रीजन में है। टोटल वैकेंसी 134 वैकेंसियां हैं जो कि ये इन स्टेटों में है, इन राज्यों में है और इन डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद इसका अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। डीजीआर के मेल में डायरेक्ट आप भेज सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। आप ये डीजीआर का मेल रहेगा, इस ईमेल में आप भेज सकते हैं। इसका ईमेल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डीजीआर के थ्रू आपको ये वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके दोनों फॉर्म भी आपको दे देंगे डीजीआर के। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।